जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, इफ द अमाउंट रिसीव एट द एंड ऑफ टू ईयर एंड थर्ड ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इज रुपीज 2,508 एंड रुपीज 2,898.56 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि उसने कोई अमाउंट दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, दिया 2 साल के लिए दिया, तो 2 साल में जो उसका अमाउंट आया वो कितना आया, 2,508 आया। और कह रहा है कि भाई जो 3 साल में जो आया वो कितना हो गया, 2,898.56 हो गया। तो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। एक बार फिर देख लेते हैं, यदि किसी निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि 25,088 हो जाती है और क्रम से 28,098.56 हो जाती है तो ब्याज की दर बताइए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जब कंटिन्यू होते हैं, तो क्या करते हैं हम, उन दोनों का डिफरेंस करेंगे। जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 0.56, तो मेरे पास ये आ जाएगा। एट में से ये गया कितना आपका 0, और ये कितना बचेगा आपका 1, फिर ये आपका 0 और ये आपका 3 अपोन में 2,508.88 और इंटू में अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगी, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी जो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने मेरे पास क्या 3,010.56 ये हो जाएगा। इसको डिवाइड करें किससे, इससे, तो ये किस पे जाएगा आपका 1 पे जाएगा, तो 1 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा आपका 2,508 और 8 तो ये कितना 8,715 और ये कितना बचेगा आपका 1 और ये कितना बचेगा 0 और यहाँ कितना बचेगा आपका 10, ये बचेगा आपका 5। अब ये किस पे गया, 1 पर गया। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने उतारा 6, तो ये 8 × 2 = 16 यानी कि 2 पर ही जाएगा। तो 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16 एक 17 और 25 × 2 = 50 यानी कट जाएगा। यानी कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो 12% आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं इसे फॉर्मूले से, P इज इक्वल टू में 1 + R/100^2 ईयर था और अमाउंट कितना हुआ था, 2,508.88 हो गया था। फिर उसने कहा 1 + R/100^3 तो अमाउंट हुआ था 2,898.56 हो गया। तो देखिए यही सेम लॉजिक मैंने यहाँ पे अप्लाई किया जो यहाँ पर लॉग में हम लोग करते हैं, इसको से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 1 + R/100 बचेगा आपका, बराबर में कितना बचेगा 2,898.56 अपॉन में 2,508.88 बचेगा। इसको मैं उधर भेजूँगा, इस 1 को अगर मैं इधर भेजूँगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 हट जाएगा, तो R/100 बराबर में ये डिफरेंस कितना आया था, इसका डिफरेंस आएगा आपका 3,010.56 आएगा अपॉन में 2,508.88 आएगा। ये 100 इधर चल जाएगा तो यहाँ से 100 हटा के ये 100 इस तरफ आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो R इज इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा आपका, 12% आएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। जय हिंद जय भारत।